तो स्वागत है भाई आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। भाई आज अपने पास आई है मारुति बलिनो गाड़ी, जो कि भाई हमें काफी कुछ अपग्रेड करना है इसमें, इंटीरियर से लेके इंटीरियर वगैरह में लेके। तो मैं एक बार भाई आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि उसमें गाड़ी में कलर कैसा और हमें क्या से कलर चेंज करना है। बाकी मैं एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ, रुकिए भाई। जो गाड़ी के अंदर से भाई कुछ कंडीशन ऐसी है जो भाई हमें पूरा चेंज करना है। भाई सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ गाड़ी में जो इंटीरियर में भाई स्टेयरिंग रैप हो रखा है अपना, ब्लैक और ब्लू शेड में हो रखा है। और ऐसे ही अपने सीट कवर, सीट कवर जो भाई बकेट हो रखे है, पर जो ये इसमें कपड़ा यूज किया भाई थोड़ा हल्की क्वालिटी का यूज किया होगा भाई, इसलिए साइड में से सीट कवर फट गया है। ये देखो भाई इसमें हेडरेस्ट में ये कांटे वगैरह मार दिया, जिप वगैरह का यूनियन है। पर भाई जो गाड़ी में इंटीरियर अपना ब्लैक और एच ग्रे कलर का है भाई, हम जो इंटीरियर करेंगे गाड़ी के हिसाब से ही करेंगे। सीट कवर और अपना स्टेयरिंग कवर, चारों डोर पे भी कपड़ा चेंज हो जाएगा और ये अपने 70 मैट होंगे। मैं एक बार कपड़ा दिखा देता हूँ, एक बार दरवाजा बंद करिए अपना। भाई जो ये दरवाजा है कपड़ा भाई इस पे ऑलरेडी लगा हुआ, आप सभी को पता ही है मारुति कंपनी में भाई कपड़ा लग के आता है। इसको जो होगा भाई चेंज करके हम अपना भाई इसमें रेगजिन वाला लेदर लगा देंगे, जैसा हम भाई सीट कवर में करेंगे। एक तो होगा अपना ब्लैक कलर और एक पार्ट जो होगा अपना एच ग्रे कलर में होगा। बाकी भाई गाड़ी का एक बार फाइनल करके फिर दिखाता हूँ भाई इसमें क्या कुछ हमने अपग्रेड किया है इसमें। अब भाई गाड़ी का जो काम है काम शुरू करते हैं भाई। इसमें जो हम सीट कवर लगाएंगे अपने प्रॉपर फुल बकेट सीट कवर लगाएंगे भाई। सीट जो है मैं भाई एक बार बाहर निकाल देता हूँ, इसमें 70 मैट भी चेंज होंगे। इसका कारपेट जो है ना काफी गंदा हो रखा है भाई, तो एक बार मैं सोच रहा था कि सीटें बाहर निकलेगी सारी कंप्लीट, तो लगे हाथ वैक्यूम वगैरह कर देते जो गाड़ी का अंदर से साफ सुथरी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि बार बार होता नहीं है भाई। अपना करता है काम शुरू। तो भाई फाइनली अपना गाड़ी का जो है काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया है। एक तो भाई सबसे पहले हमने इसमें जो स्टेयरिंग कवर जो है वो चेंज कर दिया, इसमें ऑलरेडी रैप था वो ब्लैक और ब्लू शेड में, तो हमने सिंगल कलर में फुल रैप कर दिया। दूसरा सेकेंड हमने जो इसमें भाई अपना बकेट किया है फुल लेमिनेशन में, ब्लैक कलर ज़्यादा इस कलर कम, क्योंकि भाई कस्टमर की डिमांड थी कि लाइट कलर मेरे को कम ही चाहिए। सेकंड भाई डोर पे आपको दिख रहा होगा कपड़ा जो ये है भाई, इसमें पहले जो था कपड़ा लगा हुआ था इसमें हमने रेगजिन लगाई है, एक पार्ट जो है एच ग्रे और एक पार्ट बड़े वाला जो है वो फुल ब्लैक कर दिया है। एक भाई हमने इसमें जो लगाया अपने भाई 70 लगाया प्रॉपर फिटिंग के एक्यूरेट, आपने बाकी भाई वीडियो में देख लिया होगा जो इसकी फिटिंग वगैरह थी और इसकी जो क्वालिटी वगैरह प्रॉपर एक नंबर की है।
एक ये भाई ने जो आफ्टर मार्केट अपने इसमें आर्मरेस्ट लगवाया था, ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो भाई ये भी हमने इसमें कपड़ा चेंज कर दिया अपना, जो गियर बूट का ये भी हमने चेंज कर दिया, मतलब गाड़ी का अंदर से पूरा जो हम पार्ट चेंज कर सकते थे अपना वो सारा चेंज कर दिया है। ये भाई एक छोटी सी भाई मैंने वीडियो बनाई थी, कई भाइयों की भाई डिमांड थी, जैसे कोई भाई आता था कि भाई सीट कवर लगवाने हैं या गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से मेरे को काम करवाना है, तो भाई कई बार ऐसा होता था कि भाई पूछते थे कि भाई इसमें कैसा कलर अच्छा लगेगा या कैसा डिजाइन अच्छा लगेगा। भाई जिसको लाइट कलर कम चाहिए उसके हिसाब से ये ठीक है, डार्क जिसको ज्यादा चाहिए वो भी, मतलब ये भाई मेन वीडियो बनाने का भाई रीजन ये था कि भाई हर गाड़ी की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी हमारे पास आएगी प्रॉपर बना के वीडियो यूट्यूब पे डाले कि भाई हम बता सके, किसी को यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो डालते हैं या मैं फोटो वगैरह दिखा दूं कि इस गाड़ी में इस तरीके से ऐसा काम कर रखा है। अगर भाई बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।